हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे कोल्हापुरी कटवड़ा जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए फिर इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसे मैंने कैसे बनाया है, ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से बन जाता है। एक कढ़ाई या पैन ले लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। तो कटवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले कट बना लेते हैं। लस्सा या तरी आप इसको कह सकती हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल को लो फ्लेम पर गर्म करने के बाद में क्या करेंगे, 1/2 स्पून जीरा डाल देते हैं, 1 स्पून खड़ा धनिया डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 छोटी इलायची, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, छोटे छोटे तेज़पत्ता के टुकड़े डाल देंगे। 1 तेज़पत्ता के टुकड़े कर लिए मैंने, तेज़पत्ता डाल देते हैं। स्टार एनिस डाल देंगे, 3 पत्तियां हैं छोटी छोटी सी। 4 मैंने लौंग डाल दी, 8 से 10 काली मिर्च डाल देंगे। इस सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर स्प्रंकल होने देते हैं। सारे मसालों को भुनने के बाद में थोड़ा सा खसखस डाल देते हैं। खसखस को भी इन मसालों के साथ में भून लेते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, तो खसखस को बाद में ही डालें। 1 मैंने प्याज ले ली स्लाइसेस कटी हुई। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो क्या करेंगे, मैंने थोड़ी सी अदरक ले ली है, 4 मैंने लहसुन ले लिए हैं, थोड़ा सा नारियल डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं लो फ्लेम पर। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मेरे मसाले ये सॉफ्ट हो चुके हैं, अब गैस बंद कर देते हैं, मसालों को ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में इसको पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद सारे मसालों को मिक्सी के जार में करने के बाद इनको एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने एक दूसरे बर्तन का इस्तेमाल कर लिया है इसका रसा बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, 4 स्पून के बराबर। ऑयल को लो फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, क्या करेंगे, सबसे पहले हींग डाल देते हैं ऑयल में। जो पेस्ट प्याज का मैंने पीसा था वो डाल देते हैं यहाँ पर। प्याज को ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। प्याज अच्छा सा हमारा भुन चुका है, कलर उसका चेंज हो चुका है, तो क्या करेंगे, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे अच्छा कलर लाने के लिए। बहुत थोड़ा सा रेगुलर मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा ये तीखा अच्छा लगता है खाने में। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसका जो मिर्चा है डाल लें। 1 स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 स्पून होममेड गरम मसाला पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर भून लेते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि नमक पहले भी पड़ा हुआ है। तो अब इसको तब तक भून लेते हैं जब तक इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा, तब तक इसको भून लेते हैं। ये हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है, तो अब इसमें पानी डालेंगे। इसमें अब उबाल आने देते हैं। इसमें उबाल आ चुका है, इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं। इसको ढककर पका लेंगे 7-8 मिनट, ताकि इसका जो पानी है मसाला है सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। तो इसको साइड में कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने के बाद क्या करेंगे, थोड़े से मैंने पीली वाली सरसों ले ली, थोड़ी हींग ले लेते हैं, थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे, 7-8 हैं ये करी पत्ता, 1 हरा मिर्चा, थोड़ी सी अदरक। अब इन मसालों को थोड़ा सा भुनने देते हैं ऑयल में, अच्छी सी खुशबू आने लगे। आलू डाल देंगे, इसके अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया, इसमें कैमरा बंद हो गया था। थोड़ा सा गरम मसाला होममेड पड़ेगा, 1/2 स्पून आमचूर पाउडर पड़ेगा, आमचूर पाउडर डाल लीजिए, या फिर आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया डालकर भी मिक्स कर लेते हैं। गैस को बंद कर दिया मैंने, इसको ठंडा होने देते हैं। हमारा जो रसा है वो रेडी हो चुका है, तो आप रसे की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बस इससे ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही रहेगा लिक्विड में ये। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। एक बाउल में मैंने 4 स्पून बेसन लिया है, 1/2 स्पून से कम इसमें हल्दी का इस्तेमाल होगा, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा बेकिंग सोडा पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक साथ ही डालेंगे, ताकि जो बेसन है इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। पानी को मिक्स कर लेते हैं। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थिक रखेंगे, बस इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं पड़ेगा, बस इतना ही इसको गाढ़ा रखेंगे। थोड़ा सा ये इसको रख देंगे, ताकि इसका जो थोड़ा सा ये और फूल जाएगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए हमारे बैटर की, इससे ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें ज़्यादा पतला कर देंगे तो आपको जो वड़ा है इसको फ्राई करने में परेशानी होगी। आलू का मिक्सचर ठंडा हो चुका था, तो मैंने इस तरह से वड़ा बना लिए हैं। अब इन वड़ा को क्या करेंगे, बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले रख दिया था, लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इस तरह से इसको डाल देते हैं,
पूरा अच्छी तरह इसको कवर कर लेंगे बेसन से। तो एक स्पून की मदद से इस तरह से आप इसको डाल दें लो फ्लेम पर, इस तरह से लो फ्लेम पर आप इसको फ्राई करें। देखिए कितनी आसानी से ये फ्राई हो गया है। जब ये थोड़ा सा बेसन हार्ड हो जाए तब आप इसको पलट दीजिए इसको एक साइड से। देखिए किस तरह से मैंने पलटा है, बिल्कुल आसानी से बेसन की जो कोटिंग है बिल्कुल भी इसमें नहीं उतरी है। हमारे जो वड़ा हैं फ्राई हो चुके हैं, तो आपको मैं एक मैं आपको दिखाती हूँ इसको बाहर निकाल के कितना परफेक्ट हमारा वड़ा बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। अब जो मेरा बाकी का एक बचा है उसको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। सारे वड़ा हमारे तैयार हो चुके हैं, चलिए फिर अब इनको सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर से प्याज डाल लीजिए, हरा धनिया, भुजिया डाल लेते हैं।